वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हेलो देयर, आज हम बनाएंगे डेनिम कुर्ती। इसके लिए हमें चाहिए 1 मीटर डेनिम फैब्रिक एंड अदर स्टिचिंग मटेरियल्स जैसे कि टेप, पिन, सीजर्स एसेट्रा। ये डेनिम फैब्रिक हमें 1 मीटर चाहिए। एक्चुअली में इसकी अरज बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही हार्ड डेनिम नहीं है, सिंपली डेनिम पैटर्न है। इससे जो कुर्ती हम बनाएंगे एक्चुअली वो कुर्ती कम टॉप होगा जिसे आप जींस में, लेगीज में पहन सकते हैं, और वो एक हाई लो होगा। आजकल हाई लो का पैटर्न बहुत चल रहा है, सामने से ये हाई रहेगी और बैक से ये लो रहेगा। थोड़ा ऊपर के पोर्शन में हाई नेक एंड साइड कट नेकलाइन बनाएंगे। अब हम कुर्ते की कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इस कपड़े को ओपन करके हम इस पोर्शन से इसे फोल्ड करेंगे जिसमें कपड़े की चौड़ाई हमें ज़्यादा मिले, बिकॉज कुर्ता नीचे की तरफ थोड़ा चौड़ा होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ मेज़र कर रही हूँ। मुझे इस हिस्से से इसकी चौड़ाई कम मिल रही है, इसलिए मैं इसे टर्न कर लूँगी और दूसरे हिस्से से मेज़र करके देखूँगी। यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा मिल रही है तो यहीं से कट करेंगे। हम यहाँ फ्रंट एंड बैक की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो बैक की कटिंग के लिए हमने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्ड्स कर लिया है, बिकॉज ये हाई लो कुर्ती है सो बैक लो होगी, सो इसकी कटिंग सिंपल होगी। मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ ओल्ड कुर्ता ले रहे हैं। हमने जो यहाँ कुर्ती ली हुई है वो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है और हमें इस कुर्ती को स्ट्रेट नहीं बनाना है, इसीलिए जस्ट हम इसकी फिटिंग के लिए वेस्ट तक ही मेज़रमेंट लेंगे एंड नीचे जहाँ तक आप इसकी खेल चाहते हैं वहाँ तक इसे फ्लोई कर देंगे। कुर्ते की लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ नी से थोड़ी नीचे तक रखी हुई है। सो जस्ट ड्रॉ द मेज़रमेंट एंड कट आउट। जगह छोड़कर मार्क करेंगे। अब हम रिमेनिंग क्लॉथ में फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट के लिए सामने का हिस्सा मैं थोड़ा बड़ा रख रही हूँ क्योंकि ये साइड कट हो सकता है तो इसमें ज्यादा कपड़ा लगेगा। अब इसमें से हम बैक वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और फ्रंट के पार्ट में कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए शोल्डर से थोड़ी स्पेस छोड़ के हम यहाँ लाइन मार्क कर लेंगे। यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस तरफ की कटिंग बिल्कुल पीछे से अलग होगी। एट फर्स्ट शोल्डर से 3.5 इंचेस का मार्क करेंगे, यही शोल्डर की विड्थ होगी। देन वहीं से 2 इंचेस अगेन मार्क करेंगे, फिर यहीं से 5 इंचेस बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। यहीं से 4 इंचेस तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी फ्रंट नेक आपको डीप चाहिए वहां मार्क करके इसे पहले 5 इंचेस वाले मार्क से जॉइंट कर लेंगे। ये लाइन मेजर करने पे 4 इंचेस आ रही है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको साइड कवर अप करनी है। कुर्ती हमें हाई रो बनानी है इसीलिए इसकी लेंथ में ऊपर से 26 लेंगे। इसी मार्क से आपके वेस्ट के जस्ट सिधाई में, जो कि यहाँ मैं 3.5 इंचेस ले रही हूँ, वहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पर से ये कमर फिटेड होगी। उसी मार्क से 5 इंचेस वाले मार्क को मिला लेंगे जो हमने पहले ऊपर से लगाया हुआ था। पीछे के हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि सीधी लाइन है, वहाँ मैं 3.5 इंच मार्क करूँ जैसे मैंने उधर किया था, और इसे ओपन करके मैं पहले वाले मार्क से मिला दूँगी जिससे हमें एक नेकलाइन मिल जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसके लिए हम सीम अलाउंस छोड़ेंगे। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कम है जिसे हमें ज़्यादा रखना है, इसीलिए हम राइट साइड पे इसे ड्रॉ करेंगे और जिसे हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं वहीं से इसकी कटिंग करेंगे।
काटने वाला हिस्सा ये है जो कि इसके बाहर रहेगा। इसके सेकेंड हाफ में भी सीम अलाउंस के लिए स्पेस मार्क कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे और जस्ट कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कुर्ते की जो एक साइड है उसे मैंने अंदर से फोल्ड करके पिन से लॉक कर लिया है और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ था ये स्पेस मैंने सीम अलाउंस के लिए छोड़ा हुआ है और यहीं से मैं कॉलर ऐड करूँगी। लेकिन यहाँ पर ऐड करने से पहले मैं इसे प्रेस कर लूँगी। मैंने इसी साइज का एक फैब्रिक कट किया हुआ है जिससे हम इसकी एजेस को कवर करेंगे। मैं पहले इसे ऐड करूँगी फिर इसे पलट दूँगी। अब मैंने यहाँ इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसे पलट के यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। मैंने इसे पिन से अटैच कर लिया है और इसका जो बाकी का हिस्सा है उसके साथ ही इसकी स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग होगी। अब इसके नेक का टर्न आता है, हम इसमें कॉलर ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक पीस लिया हुआ है, इसे मैं यहाँ अटैच करूँगी। लेकिन यहाँ जैसे मैंने अटैच किया हुआ है वैसा अटैच नहीं करेंगे, यहाँ मैं इसमें अलग से अटैच करूँगी। इसको इसके ऊपर चढ़ा के नहीं करूँगी, जस्ट यहाँ से इसे अलग से अटैच करूँगी। अब हम बैक पोर्शन लेंगे और उसमें फ्रंट पोर्शन दोनों को ही रखेंगे और इस तरीके से सेट करेंगे कि ये कवर अप की तरह दिखाई दे और इसके साइड कट को केयरफुली पिन से अटैच करेंगे। हम सिर्फ इस हिस्से की सिलाई करेंगे, यहाँ की सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे जिससे इसमें जा सके। इसके बाद शोल्डर वाले पोर्शन को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसकी शोल्डर की जॉइंटिंग हो चुकी है। अब हम कॉलर के रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए पहले मेजरमेंट लेंगे जो कि पूरे कंप्लीट कॉलर जितना बचा है उसका लेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट 12 इंचेस आ रहा है, देन मैं 12 इंचेस अलग से काट के यहाँ पहले की तरह ही अटैच करूँगी। पिन से इसकी कॉलर रेडी कर ली है और इसकी साइड कट भी रेडी कर ली है। साइड के स्पेस में बटन ऐड कर लेंगे, बस अब इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम कुर्ते का बॉटम हिस्सा बनाएंगे। यहाँ मैंने 26 इंच जहाँ से छोड़ा हुआ था वहाँ से कर्वी शेप हम बॉटम तक ले जाएंगे, मतलब कि यहाँ हाई रहेगा और नीचे साइड लो आएगा। अब मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको चार कपड़े एक साथ नहीं कट करने हैं या फिर जिसमें प्रॉब्लम होगी, जैसे कि बीच में यहाँ जॉइंट है तो इसे फोल्ड करने के बाद कट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, इसीलिए जो मार्क आपने पहले किया हुआ है उसे एक दो बार और करके थोड़ा थिक कर लेंगे और इसे इस तरह से टर्न करके थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे तो वो मार्क दूसरे साइड में भी बिल्कुल वैसे ही लग जाएगी। सी हाउ इजी इट इज। अब आप सिंपली यहाँ से कट कर सकते हैं। ये देखिए हाई लो कटिंग हो चुकी है, बस अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसमें इसकी एजिंग को कंप्लीट करनी है। इस एज को आप चाहे तो हाथ से सिल सकते हैं, मशीन से सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ पीछे से लगाने के लिए जिससे ये सामने से अच्छा दिखे। और इसके साथ ही आर्म होल के एजेस को भी सिक्योर कर लेंगे एंड देयर यू गो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो।